नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस की बहुत शुभकामनाएं। आजादी के 72 सालों बाद आज हम एक ऐसे बेहतरीन दौर में हैं, जहां हम अच्छा बुरा, सही गलत, नेशनल एंटी नेशनल अपनी मर्जी से तोल सकते हैं। हम जब चाहे, जो चाहे, जैसा चाहे बोल सकते हैं। और अब तो ये सहूलियत भी है कि आपकी आवाज आपके कमरे से निकलकर सारी दुनिया को सुनाई देगी। आपके ओपिनियंस, आपके एडवाइजेस, आपकी जजमेंट्स, आपकी स्पीचेस, आपके मन की बात के साथ साथ आपकी शक्ल भी दिखाई देगी। ये बहुत अच्छी बात है कि हमने अपने खुलकर बोलने के हक को समझ लिया है। बोलने का सही वक्त कौन सा है ये भी सही से परख लिया है। हर मौके का फायदा इतनी बेबाकी से उठाया है कि अब हम सुने जाने के ऑब्सेशन में इस हद तक गिर चुके हैं कि कई आवाजों से घिर चुके हैं। नहीं नहीं नहीं, मेरे बोलने का इरादा आपको बोलने से रोकने का नहीं है। पर क्या है ना कि जब विचारों के बदले बस शोर सुनाई देता है, तब आवाजों की भीड़ में सच कहाँ दिखाई देता है। सच तो ये है कि हम ये समझ कर बैठे हैं कि बोलना एक रेस है, और जो सबसे पहले और सबसे ज्यादा और सबसे ऊंचा बोलेगा, सभी के लिए समझदारी का दरवाजा वही तो खोलेगा। और उस आवाज को याद रखा जाएगा, कई सदियों तक ये कहा जाएगा कि भाई वाह, क्या बात बोली है आपने, तो एक ही पल में आवाजों की खिड़कियां खोली है। लेकिन इस रेस में दौड़ने के चक्कर में हमने ये नहीं सोचा कि हमारी बात में कोई बात है भी या नहीं। सच, सबूत और समझ हमारे साथ है भी या नहीं। हम ये जानने को ठहरे भी नहीं हैं कि व्हाट्सएप या फेसबुक पर आया हुआ मैसेज, मिली हुई खबर या उठाया हुआ मुद्दा तर्क के किस स्तर पर खड़ा है। किसी को खुलकर गालियां देने से पहले क्या हमने समझा कि आखिर कौन किससे क्यों लड़ पड़ा है? हम ये समझ नहीं पाए कि सुकून से कमरे में बैठकर सोशल मीडिया पर गालियां भरना, किसी के भी अकाउंट में जाकर उसे ट्रोल करना, ये किसी के नजर में फ्रीडम ऑफ स्पीच हो या ना हो, ये क्राइम जरूर हो सकता है। किसी बड़े से न्यूज चैनल के, किसी प्राइम टाइम शो के, किसी बेमतलब की डिबेट में, किसी छोटी सी खिड़की में बैठे हुए किसी बेबाक से पत्रकार को जब बात सुनने की आदत नहीं है, तो वो हमसे ये कह रहा है कि जो मैं कह रहा हूँ तुम वही सुनो, तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं। इसके खिलाफ आवाज उठाना, उसके ऊपर हाथ उठाना, इसकी बात को उल्टा बताना, एक अनजानी आवाज पर कहीं इकट्ठा हो जाना, इस मैसेज को 100 लोगों तक बिना जांचे पहुंचाना, किसी भी बात को बिना सोचे परखे समझे एक मुद्दा बनाना, ये हमारी बोलने की आजादी का हिस्सा तो है पर हमारे फर्ज का हिस्सा नहीं है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने के नाते ये हमारा फर्ज बनता है कि हम जब भी मुंह खोलें ये जरूर सोचें कि हमारी बात का असर क्या हो सकता है। हाँ, सच बोलना जरूरी है, पर उससे कहीं ज्यादा जरूरी है सच जानना, खबर को पहचानना। सामने महामारी है, कंधों पर बोझ है, लोग भूखे सो रहे हैं, हम ना जाने कितनों को खो रहे हैं। बड़ी बेहाल सी सूरत है, वक्त जरा नाजुक है, और हमें मोहब्बत की बहुत सख्त जरूरत है। तो अब से अपने हर ख्याल को हर तरफ से कटोलें। बोलने की आजादी मिली है तो क्यों ना सोच समझ कर ही बोले। सोच समझ कर बोले, सोच समझ कर बोले। और जय हिंद।